समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने गुड़ पहुंचे। भारी जन समर्थन के बीच उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी जान है सारी की, उनको उनके जगह पर पहुंचाया जा चल करके यहाँ आए हैं, जो लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार यहाँ डेरा डारे हैं। तमाम हमारे साथी हैं, पप्पू भागवान पटेल वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब धीरे धीरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, जो हमारे दाहिने साइड में एक कुर्सियां खाली है, सिर्फ मुलायम सिंह जी ने किया था, ये मेरे सैनिकों से घर जाएगा, पूरे सम्मान के साथ जाएगा, के साथ उसे घर में अंतिम संस्कार होगा। आप टीवी में देखते हैं, इससे पहले मालूम क्या होगा करता कपड़ों पर, एक मिनट में बोलूंगा, फिर कपड़े परिवार घर के लोग बना करते थे, अगर शादी सुना है तो पत्नी और बच्चे मिलाप करते थे, उसी में मित्र मिलाप करते थे, उस क्षेत्र के लोग मिलाप करते थे और कपड़ों को गले लगा के रोते थे। लेकिन यह अगर किसी ने दिया अंतिम संस्कार उनके बेटे थे उनके पर, जिसने रात से हमारे सैनिकों का सम्मान कराया और उनके लिए ऐसा काम किया हो, आपकी आवाज मिलेगी। क्या वो पिछले पंचवर्षीय के पहले कभी चुनाव लड़े? नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने जब आप लोगों के कहने से ही राजनीतिक पदों पर और राजनीतिक पद की यात्रा शुरू करी उन्होंने, तो मुझे लगता है कि आपके लिए आपके इस बेटे से उचित और अच्छा ईमानदार यशस्वी
सकता। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उनके ऊपर कोई जो भी एलिगेशन कोई लगाता होगा। मुझे लगता है वो एक बार अपने गहरे बांह में झांक कर देख ले तो उसे ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी कि वो किस चरित्र का मालिक है और मेरा बेटा किस चरित्र का मालिक है। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो आदरणीय अखिलेश यादव। अभी आपकी आवाज ना भोपाल पहुंची ना रीवा पहुंची, आदरणीय अखिलेश यादव भैया साहब, भैया साहब। आपकी आपकी जो सरकार कहती है कि आपको बहुत सारी चीजें उसने मुहैया कराई हैं, जो भी चीज जो भी योजनाएं आपको दी जाती है, आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताती हूँ। जो कुछ टैक्स आपसे लिया जाता है, जो कुछ भी आपकी जेब से लिया जाता है, वही आपको योजनाओं के तौर पे दे दिया जाता है। आपको कहते हैं गैस की सब्सिडी देते हैं, सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है और आपके पैसे से निकाल के वो बैंक में जमा कर देते हैं, कहते हैं कि आपको सब्सिडी दी। अगर वो आपसे 400 रुपए लेते हैं और 200 रुपए जमा कर देते तो मुझे समझ में आता कि उन्होंने अपने पैसे से कुछ दिया आपको। तो जो लोग इतने दिनों से बेवकूफ बनते रहे हैं, मैंने कह दी कि वो बार बार बेवकूफ बने। अभी आपके पास जो प्रत्याशी है वो आपके लिए इतना सक्षम है कि अभी तक उसने जितना भी काम किया, कितनी लड़कियों की शादियां जो हुई है गोविंदगढ़ में, आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार से चौगुना दहेज हमने दिया, कोई नहीं देता। सरकार अपनी योजनाओं से देती, कोई मंत्री मिनिस्टर अपने जेब से नहीं देता, लेकिन भैया साहब ने अपने जेब से वो पैसा लगाया। चाहे वो बीज का मामला हो किसान का, किसान की जमीनी विवाद हो, चाहे बेटियों की शादी की बात हो, किसी का घर जल गया, किसी के घर में दुख है, किसी घर में सुख है, भैया साहब एक ऐसा प्रत्याशी है जो आपके पास हर पल पहुंचा। आपने रात को उन्हें पुकारा, वो रात को पहुंचे, दिन में पुकारा, दिन में पहुंचे। अभी चुनाव के बहुत दिन पहले से हम उन्हें घर में देखने को तरस जाते हैं, क्योंकि वो घर पहुंचते ही नहीं, कहीं किसी के यहाँ रुक जाते हैं, कभी किसी के यहाँ रुक जाते हैं। आपने देखा इतना सरल प्रत्याशी, आप देखते हैं कि घर से वो रजवाड़े से, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ उठने बैठने वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति, कहीं कोई दम्भ नहीं, कहीं कोई राजत्व नहीं। इसलिए आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है जिसको ढूंढने के लिए आपको रीवा ना जाना पड़े। और अभी हमारे गाँव से कुछ लोग माननीय जो अभी अपने विधायक उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि टीकर में सारे श्रमिक बसते हैं और मैं ऐसे श्रमिकों से नहीं मिलता। तो आप सोचिए जो व्यक्ति अभी चुनाव अभी वो आपने जिसको चुन के भेजा और जो अभी अभी मौजूद है विधायकी में, वो अगर आपको ये कहता है कि आप श्रमिक हैं, आप दलित हैं, आप नीचे खड़े हुए व्यक्ति हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए सही व्यक्ति है? तो मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे सही और अच्छा व्यक्ति आदरणीय भैया साहब हो सकते हैं। और सारे लोग एकजुट होकर अगर जोर लगा दें और अपने इस बच्चे को भोपाल तक पहुंचा देंगे तो ये आपका अपना गौरव होगा, क्योंकि आप अपने बेटे को चुन रहे हैं, आप अपने परिवार को चुन रहे हैं, आप सारे लोग चुनाव में खड़े हैं। कोई भैया साहब का प्रचार जो कर रहे हैं वो सारे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भैया साहब जीत गए तो ये जीत आपकी है, ये जीत गुड़ की है, ये जीत टीकर की है और आप सबके बेटे और भाई की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अटूट वोट देकर घर घर जाइए, जहाँ जिस जगह आप खड़े रहते हैं, पान की घुमटियों में, ठेलों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आप एकजुट होकर इस बात को घर घर प्रचारित करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, संबंधियों में, सब लोगों से कहें कि आदरणीय भैया साहब जो आपके लिए सही प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, उनको बहुत अटूट वोट देकर बहुत ज्यादा बहुमत के साथ भोपाल भेजें। यहाँ तक कि अभी भैया साहब की ये भीड़ और भैया साहब का प्रचार प्रसार देखकर वैसे ही प्रत्याशियों के पांव कांप रहे हैं और पैरों तले धरती खिसक चुकी है। भैया साहब खड़े रहे, लेकिन आने वाले समय और जो भी वर्तमान विधायक या जो भी आपसे बात करता है उसके लिए आप कह सकते हैं कि आप जो भी आपसे वोट मांगने आए आप अपने भैया साहब के बारे में बताइए, जो भैया साहब के लिए बोलता है उनकी उनके बारे में जितना कुछ आप जानते उतना बताइए और आने वाले प्रत्याशियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि आपके भैया साहब जो है बहुत ज्यादा बहुमत से भोपाल पहुंचे। आप सबके उत्साह के लिए मैं अपनी दो लाइनें बोलती हूँ कि द्वारे ये भैया साहब वक्त वक्त का बदलाव और बदलाव की राजनीति और राजनीति से आपके सुखों का उजाला, इसके लिए कि द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं जलता हूं तो भी जल, द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं जलता हूं तो भी जल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं जलता हूं तो भी जल। और एक और एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे, एक और एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे, सबको ये विश्वास दिलाने मैं जलता हूं तो भी जल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं जलता हूं तो भी जल। और टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती है, टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती है, एक नई तस्वीर बनाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल। और जो ईश्वर मंदिर में रहता वो ही रहता मस्जिद में, जो ईश्वर मंदिर में रहता वो ही रहता मस्जिद में,
और मंदिर मस्जिद शीश झुकाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल। लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, आज वही दीवार गिराने मैं चलता हूँ तू भी चल। हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल। तो एक ऐसा दीप जलाइए दोस्तों जिसकी रोशनी आपके घरों को रोशन कर सके, वो सच्चाई की रोशनी आपके घर में आए, कोई ऐसी टेम्पररी रोशनी नहीं आए कि जब आपको जरूरत हो तो बुझ जाए और जब आपको जरूरत ना हो तो वो जल जाए। एक ऐसी रोशनी जो हमेशा जलती रहे। तो हमारे इस परिवार का चिराग जो आपके घरों का भी चिराग है और आपके घरों को रोशन करने के लिए निकला है, ऐसा उजाला भरिए, ऐसा उजाला भरिए। उससे पहले
अति देव भवों की परंपरा के अनुरूप सबको बैठा गज माला से सम्मान अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हुए धरती माँ मंच पर विराजमान आज यहाँ हमारे अपना सबके बीच पधारे उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्मानीय अखिलेश यादव जी के यह धरती माँ गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से सादर स्वागत अभिनंदन है। हम बच्चे के सौभाग्य है कि देश के भविष्य युवा प्रतिनिधि आज हम बच्चे के बीच समय निकाल के हमारे अपना के बीच प्रस्तुत हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सदैव विचारधारा रही है कि समाज के हर वर्ग का हर तबका का जोड़ के एक मजबूत समाज के निर्माण की जाए, जो देश के विकास में देश का मजबूत बनावे में काम आवे। हम बच्चे संकल्प रही थे आज गोड़ विधानसभा में एक ऐसे समाज के निर्माण करें हम बच्चे आगे बढ़ा भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जात पात न हो, हर तरह के वाद से रहे एक मजबूत समाज तो क्षेत्र के विकास में और जनता की मदद में आगे आवे। अपने प्रदेश में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है। एक स्वस्थ प्रजातंत्र के तहत सरकार के अदला बदली आवश्यक। यदि समय समय पर सरकार सत्ता के बदली न हुई तो सरकार पद भ्रष्ट हो जाती, सरकार में मद आ जाता है और अक्सर देखा गया है कि यह मेरे सरकार तानाशाही का अग्रसर हो जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार कितनी तानाशाह हो चुकी है एक बहुत बड़ा उदाहरण हम पंचे के किसान परिवार है। आज सरकार किसान के उत्पाद के सही मूल्य दे में सक्षम नहीं आए, किसान के जो लागत है वह दिन प्रतिदिन बढ़ जा रही। अब हम बच्चे अपने बीच में विधायक चुने खिते देख रहे हैं। एक विधायक जनता के समस्या का सरकार तक ले जा, वो समस्या के निदान करब और उनका निदान करके योजना अधिकार जनता तक ईमानदारी से पहुंचाऊं। यह अपन दुर्भाग्य रहा है गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पिछले कई पंचवर्षी से यह बाहर के प्रत्याशी चुनाव जीते और अपने गुड़ विधानसभा के जो नदी है वो बिना पुल के अभी तक बही रही है, जेमा सरकार के और जनता के कोनो मेल नहीं आए, जनता के अधिकार जनता के राशि जनता तक पहुंचे नहीं, बीच में बाहर से आए प्रत्याशी
भ्रष्ट आचरण के कारण जनता का केवल 15 साल 20 साल में सुविधा फैली, अपने क्षेत्र के जनता की ईमानदारी से सेवा करी, अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक के अभाव अपने क्षेत्र में विधायक के अभाव पूरी तरह से गायब है और पिछले 15 साल 20 साल से गुड़ विधानसभा हुए खड़ा है जहां आज से 15-20 साल पहले रहा। अमरनाथ से यह प्रार्थना है कि गुड़ विधानसभा के बुरे दिन अब चले जाएं, गुड़ विधानसभा क्षेत्र का सेवा करे के अवसर अब यह क्षेत्र के बेटा का मिले, सम्मान स्वाभिमान के रक्षा करें और जितनी बिगड़ी व्यवस्था है उनका सुधार के गुड़ विधानसभा क्षेत्र का विकास के एक नई गति प्रदान करें, अपना सब आशीर्वाद प्रदान करी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया साहब। जो व्यक्ति पिछले चुनाव में 25,000 वोट बिना किसी दल के पास दिखा है, आज वो एक बड़ी समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे हैं। यादव समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश यादव जी और उनकी टीम गजमाला से सम्मानित करना चाह रही है आदरणीय माननीय अखिलेश माला से। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान। अभी भैया साहब कह रहे थे ये जोश आपको ये नारा अगर तालियों के साथ गूंजेगा तो और मजा आएगा। तालियां माननीय अखिलेश यादव जी के लिए और माननीय भैया साहब के लिए आपकी ओर से। डॉक्टर जाया जी ने कहा था कि रोटी तवे में पलटते रहना चाहिए, एक बार तालियों के साथ अपने लेके दोनों हाथ उठा करके समाजवादी पार्टी के देव तालाब से रामयज्ञ सौंदिया जी, प्रत्याशी मऊगंज सुखचैन प्रसाद पटेल जी, प्रभारी रामवृक्ष, दूसरे प्रभारी जितेंद्र अग्निहोत्री जी, अजय शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी, राम सुंदर दास जी, राम हमारे जगदीश यादव जी जो यादव महासभा के अध्यक्ष, मंच पर तमाम हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे, मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ कि पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम साथी जो मंच पे हैं वो देख रहे होंगे, पूरा मैदान जहां जहां तक हमें देख सकते हैं वहां तक लोग खड़े हुए हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं। यहां से इस बार नौजवान प्रत्याशी भैया साहब ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये हिला नहीं है। और इसलिए भी भैया साहब जीतने जा रहे हैं क्योंकि इनके लिए अखिलेश भैया वोट मांगने आए हैं। और जब अखिलेश भैया वोट मांगे और भैया साहब के लिए वोट मांगे तो कौन जीतेगा यहां से, ये फैसला आपको करना है। और ये जो प्रथा चली आई है इस विधानसभा में, जो कभी कभी कुछ प्रथाएं ऐसी होती जो खराब होती हैं, ये जो प्रथा है प्रथा नहीं कहते ऐरा प्रथा भी इस बार यहाँ पर बंद होने जा रही है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि ये सब प्रथाएं बंद हो जाएंगी। ये नौजवान प्रत्याशी के लिए हम नौजवान नेता वोट मांगने आए हैं, याद रखना आप लोग।
और जब हम आ गए हैं तो केवल मध्य प्रदेश नहीं देख रहा है कि कहां पर वोट कितना मिलना है, आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश भी देखेगा कि बताओ भैया साहब यहां से जीते कि नहीं जीते ये बताइए। और उत्तर प्रदेश के लोग देखें और आप पीछे कैसे छूट जाओगे। हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं, ये चुनाव मध्य प्रदेश का जरूर है लेकिन देश की नजर है चुनाव में। पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार क्या होगा चुनाव में। और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा देख लेना आप, मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझिएगा, ये अपना देश का भी चुनाव समझिएगा। और जब देश का सवाल आप आगे रखेंगे और आकलन करेंगे तो आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, उन सवालों का जवाब हम समाजवादी लोगों ने कई मौकों पर दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने समय समय पर हमें बताया और जनता के बीच में ये बात रखी। हमारी माताएं बहनें समझती होंगी उस बात को, ये बताओ अगर रोटी पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने, हमारी भोली भाली जनता ने उनकी बातों पे भरोसा आकर के अपनी रोटी जलाई है। 15 साल एक सरकार चलती रही, रोटी जल गई। उससे पहले 40 साल से ज्यादा एक ही सरकार चली, अगर आप रोटी नहीं पलटोगे तो जली तो जाएगी। इसलिए हम समाजवादी लोग आपसे कह रहे हैं कि रोटी बदलो, जब रोटी बदल करके आप सेकोगे तभी तो सही सिकेगी, वरना कहां सिकेगी बताओ। आकलन, आप आकलन करने का मौका मिला है। ये कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, इन दोनों दलों में कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा। हम तो कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देंगे, कम से कम हमसे उन्होंने गठबंधन नहीं किया। अगर हम गठबंधन कर लेते तो हमें बताओ भैया साहब कहां मिलते, ये बताओ पहले, ये बताओ अगर हम गठबंधन कर लेते तो क्या भैया साहब हमें मिलते, ये गुड़ की जनता से क्या हम मिल पाते। इसलिए हम धन्यवाद देंगे कांग्रेस के लोगों से कम आपने गठबंधन नहीं दिया, हमें एक नौजवान नेता भैया साहब को यहां पर समाजवादियों को दे दिया। और कभी सोचो आप, हम तो अपने बुजुर्गों से कहेंगे, पुराने लोगों से कहेंगे कि कभी सोचो क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अभी सबसे बुनियादी चीजें अभी पूरी नहीं बनी हमारी, आजादी के कितने साल गुजर गए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, जो लोग कहां से कहां तरक्की कर गए, लेकिन हमारा देश वहीं का वहीं खड़ा रखा गया। जो तरक्की का रास्ता होना चाह, खुशहाली का रास्ता था, उस रास्ते से अगर किसी ने भटकाया है हमें, उस रास्ते से गलत रास्ते पे अगर कोई लेकर गया है तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को गलत रास्ते पे ले जाने का काम किया। बीजेपी और कांग्रेस में पहले शौचालय बनता था एक गड्ढे का, कांग्रेस वाले बनवाते थे शौचालय एक गड्ढे का और बीजेपी वाले बनवा रहे हैं शौचालय दो गड्ढे का। क्या ये सच नहीं है बताओ आप, ये क्या सच्चाई नहीं है? गांव के लोग हमारे बैठे होंगे और देखो दोनों कैसे हैं, एक गड्ढे का बनाता था शौचालय, दूसरा दो शौचालय का बना रहा है और पानी दोनों ही नहीं दे रहे हैं शौचालय में, बताओ क्या करेगा शौचालय बताइए। और जब तक आप तक पैसा पहुंचता है तो बताओ 12,000 का क्या हो जाता है, ये आप बेहतर समझते होगे।
का कहां पहुंच जाता होगा, कितना मिलता होगा आपको, ये स्थिति पैदा है। और सोचिए आप, प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते थे दिल्ली में और हर बीजेपी के नेता झाड़ू लगाता था, जहां मौका मिल जाता था वहीं झाड़ू लगा देता। क्या बताओ, कूड़ा हट गया कि नहीं हटा? वो गंदगी नहीं हटी। और याद रखना, जब तक नियत साफ नहीं होगी कोई गंदगी नहीं हट सकती। भारतीय जनता पार्टी, इनकी नियत साफ नहीं है इसलिए सफाई नहीं हुई है। आप तमाम लोग हैं जो भरोसा कर लिया बीजेपी की नीतियों पर, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नोटबंदी हो जाएगी तो हमारे गरीबों को बहुत मालामाल हो जाएंगे, हमारे गरीब को फायदा पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में, ये नोटबंदी हमने की है, अमीर सो नहीं पा रहे हैं, अमीर कंपोज की गोली खाकर सो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे। देश में नोटबंदी ला दी, नोट बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि विदेश से कितना काला धन आ गया और कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी का परिणाम अब आया, 2 साल बाद कृषि विभाग खुद कह रहा है कि नोटबंदी के समय पर सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी हुई, न वो बीज खरीद पाया और न अपना खेत बो पाया, ये स्थिति पैदा कर दी थी नोटबंदी ने। लेकिन हमारी जनता भोली वाली है, सीधी है, बीजेपी के लोगों की बातों में आ गई, सबने अकाउंट भी खुलवा लिया, जनधन अकाउंट खुल गए सबके। उन्हें भरोसा था कि शायद पहले नहीं पैसा भेजा, अब शायद भेज दे पैसा नोटबंदी के बाद। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब तो नहीं इंतजार कर रहे हो कोई? कोई अगर इंतजार कर रहा हो तो बताओ कि आ रहा है 15 लाख। गुड़ की जनता तो नहीं इंतजार कर रही कहीं? और आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी उस समय, और हमारे क्षेत्र में हमारी जगह पर एक गरीब गर्भवती माँ जब पैसे लेने गई तो एक बच्चे का जन्म बैंक में ही हो गया था, और उस बैंक में जब जन्म हो गया तो बैंक के लोगों ने, हम समाजवादियों ने उसका नाम खजांची रख दिया। उस खजांची पे घर नहीं था, हम समाजवादी सरकार चल रही थी, मैंने उसको लोहिया आवास दिया, 3,05,000 का मैंने उसे लोहिया आवास दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उसका लोहिया आवास रोक दिया। हम 1 साल इंतजार करते रहे कि शायद ये बीजेपी के लोग उस लोहिया आवास को पूरा कर देंगे, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का न करें, हजारों घर ऐसे ही रह गए, आधे अधूरे बने। हमने सोचा शायद नोटबंदी वाला ये खजांची इसका तो घर पूरा बनवा देंगे। मैंने 2 साल इंतजार किया, उन्होंने घर उसका नहीं बनाया। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि मैं एक इसका नया घर बनाने का काम करूंगा, और बहुत जल्दी जिस दिन उसका जन्मदिन आएगा हम उसको एक नया घर दे रहे हैं। और जो वो नया घर हम दे रहे हैं वो लोहिया आवास से बेहतर है। लोहिया आवास में जब हम देते थे तो जो उत्तर प्रदेश में गरीबों को जो घर देते थे हम, वो 3,05,000 का घर होता था, उसके ऊपर सोलर पैनल लगता था, 2 LED बल्ब फ्री, 2 पंखे फ्री, शौचालय और किचन खाना बनाने का, और 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे देते जिससे कम से कम वो सम्मान का जीवन जीने गरीब, ये इंतजाम किया था। और इस खजांची को जो हम अपने पैसे से बनवा रहे हैं, समाजवादी लोग जो इस खजांची का बना रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में बैंक में केवल 1 बच्चे ने जन्म लिया था, बीजेपी के लोगों को याद दिलाने के लिए कि नोटबंदी की वजह से बैंक में एक पैदा हुआ था, उसका घर समाजवादी लोग बना रहे हैं और वो घर हम 5 लाख का बनवा रहे हैं। और अभी जब मैं भोपाल में आया था, मैंने कहा कि अब गरीबों को घर हम 3,05,000 का नहीं देंगे, अब कभी भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे या समाजवादी लोगों का सहयोग होगा तो गरीबों को 5 लाख रुपए का घर देने का काम करेंगे। बताओ
कितने दिन गुजार दिए आजादी के, और हम अपने गरीबों को घर नहीं दे पा रहे। ये जमाना मोबाइल इंटरनेट व्हाट्सएप का आ गया, मोबाइल में जो चाहो सो देख लो। आज हर घर में हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया। मोबाइल की कीमतें भी उतनी है जितना ये प्रधानमंत्री का आवास है। तीन मोबाइल मिला लो तो एक प्रधानमंत्री आवास बन सकता है, इतने पैसे के मोबाइल हो गए हैं। और हमारे देश में गरीबों का घर नहीं है इसलिए हमने कहा है, और वो उदाहरण पेश किया है। हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब नहीं आएंगे उसके उद्घाटन में। मैं इस सभा को खत्म करूंगा और कल या परसों रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखूंगा कि नोटबंदी के जमाने में एक बच्चा बैंक में पैदा हुआ था, उसका जब भाग्य नहीं बदला है तो बताओ हमारे देश का कैसे भाग्य बदल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि उस घर का जब बन करके तैयार हो जाए तो उस खजांची को देने के लिए इस देश के गवर्नर आए, रिजर्व बैंक के गवर्नर, और देश को बताए कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। हमने आपने सब रुपया बैंक में रख दिया, हमारी माताओं बहनें पुराना पैसा रखा होगा वो भी जमा करा लिया, और जो पैसा जमा था वो कौन लेके चला गया सोचो आप। ये तो एक ही है, और मैं जानता हूं कि जिससे पूछो कि भाई रुपया लेकर के चला गया तो सबसे पहले या शराब वाले कारोबारी का नाम आता है या ये दूसरा नाम आता है। बताओ देश में अच्छी शराब बनाता था वही भाग गया सब पैसा लेकर के, अब अच्छी शराब कौन बनाएगा सोचो। सबसे अच्छी शराब बनाता था वो पैसा लेके चला गया। कहीं ये तो नहीं साजिश थी कुछ लोगों को, बड़े लोगों की साजिश कि जब ये चला जाएगा तो ये शराब बनाने वाले हम विदेश के लोग भारत में बुला लेंगे। हो सकता ये भी साजिश हो। हम और आप केवल तीन या चार नाम जानते हैं, लेकिन इस देश से कम 42,000 लोग भारत छोड़ करके जा चुके हैं। 42,000 लोग जो संपन्न थे, पैसे वाले थे, जो यहाँ कारोबार करते, कुछ बिजनेस करते, तो शायद हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता। लेकिन 42,000 भारत छोड़ करके चले गए। कौन देगा हिसाब किताब इस चीज का? बीजेपी वाले नाम नहीं ले रहे कि कौन चला गया। हमारा आपका पैसा विदेश में लेकर के भाग गए। बताओ इस देश की तरक्की कैसे होगी, इस देश की खुशहाली कैसे होगी। और जिनकी वजह से बैंक डूबी है, हम अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहते हैं, इस देश के केवल 2,000 लोग हैं जिन्होंने बैंकें डुबाने का काम किया है, सब पैसा लेकर के वापस नहीं कर रहे हैं। अगर 2,000 लोगों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें 1,000 कांग्रेस के निकलेंगे, 1,000 बीजेपी के निकलेगा, एक भी समाजवादी नहीं है जिसने बैंक का पैसा लेकर के बैंक को डुबाने का काम किया। अगर बीजेपी कर्ज माफ कर रही है, किसानों का कर्ज बीजेपी कहती है माफ कर देंगे, तो बताओ उत्तर प्रदेश में कब कर्ज माफ किया आपने? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बताओ उत्तर प्रदेश का किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। हम समाजवादियों ने जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, हम भरोसा दिलाते हैं, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जैसे ही समाजवादियों को मौका मिलेगा हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का काम करेंगे, क्योंकि कर्ज माफ करने में कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। जब इतने लोग पैसा लेकर के बैंकों का चले गए तो हमारे किसान की मदद होगी। अगर हम किसान की मदद करेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन पर अन्नदाता है उसकी मदद करने का काम करेंगे, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा अगर हम किसान की मदद करने में कामयाब हो जाएंगे तो। इसलिए हम चाहते हैं परिवर्तन हो तो अच्छा हो। अगर परिवर्तन करोगे तो साइकिल के पक्ष में करिए, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। और कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, जो डीजल जो पेट्रोल कांग्रेस के जमाने में महंगा था, जो कांग्रेस के जमाने में महंगा था डीजल पेट्रोल, उससे ज्यादा महंगा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
जहां पर महंगाई कांग्रेस छोड़ गई थी, वहां से आगे बढ़ाने का काम महंगाई का किसी ने किया है? आपका सिलेंडर के बहाने बीजेपी के लोगों ने आपसे मदद मांगी थी, कहा कि हम गैस का सिलेंडर सस्ता कर देंगे। जिस जगह महंगाई कांग्रेस छोड़ गई थी, उससे महंगा करने का काम और अब लगभग 1,000 रुपए का किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जितने बेरोजगार कांग्रेस के जमाने में थे, जितने बेरोजगार कांग्रेस के जमाने में पहले थे, वो कम से कम बीजेपी की सरकार में उम्र तो बढ़ गई होगी, बेरोजगार बाप बन गए होंगे, नौकरी नहीं मिली होगी। उससे ज्यादा संख्या बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, किसान की अगर आर्थिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया था उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। याद करो वो समय जब डॉलर की बात करते थे बीजेपी के लोग, कहते थे कि हमारा रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। वो कांग्रेस के जमाने की बात कहते थे, जितना ऊपर डॉलर गया उससे ज्यादा ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉलर चला गया, रुपया और नीचे चला गया। कौन हिसाब किताब बनाएगा? देश में इन दोनों ने मिलकर के खेल खेलने का काम किया है। हमने तो बड़े करीब से देखा है उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी है वही कांग्रेस नहीं करोगे साइकिल के पक्ष में तब तक रास्ता देश का नहीं खुलेगा। और फिर आबादी के ज्यादा लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, आबादी में जो ज्यादा लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और आबादी में जो कम लोग हैं वो सब कुछ पा रहे हैं। कौन व्यवस्था को बदलेगा? अगर व्यवस्था को कोई बदलना चाहता है तो समाजवादी लोग बदलना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम पेंशन देंगे, हम अपनी माताओं बहनों को गरीबों को पेंशन देंगे। हम पूछना चाहते हैं गांव में आप कभी विकलांग पेंशन अलग देते हो, विधवा पेंशन अलग देते हो, अब कौन सी पेंशन देने जा रहे हो? और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी लोग गरीब माताओं बहनों को 500 रुपया देते थे महीना, वो भी अगर किसी ने बंद की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो पेंशन बंद कर दी। और यहाँ कहते हैं कि हम पेंशन देंगे, कांग्रेस कह रही कि हम गरीब परिवार को 6,000 रुपए देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि और प्रदेशों में आपकी सरकार है, बताओ किस जगह गरीब माताओं बहनों को आप 6,000 रुपए दे रहे हो? इसलिए हम समाजवादी लोग अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने करके दिखाया था और यहाँ भी संसाधन है, हो सकता है। जब ये अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं तो हमने भी संकल्प लिया और फैसला लिया है कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो अपनी गरीब माताओं बहनों को 2,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी। ये बीजेपी वाले दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वादा करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी वाले बहुत अच्छा वादा करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा कि हम लैपटॉप देंगे और डेटा भी संग में दे देंगे, डाटा भी संग में देंगे। 2 साल हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, भूल गए, पता नहीं कैसे भूल गए। अब वो चिलम वाली बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री भूल गए कि उन्हें लैपटॉप भी देना था, डेटा भी देना था। अभी सुनने में आया बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम स्कूटी देंगे। हम बीजेपी वालों से आप पूछना, स्कूटी दोगे फिर पेट्रोल कौन देगा, ये भी तो बताते जाओ हमें। यहाँ पर ये हालत है, इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि बदलाव होने जा रहा है। और हमारी हमें खुशी इस बात की कि हमें अच्छे लोग मिल गए इस बार मध्य प्रदेश में। हम भी ढूंढ रहे थे कि कोई तो हमें मिले, हम लोग साइकिल चला चला के थक गए थे, बहुत पैडल मारा हम लोगों ने। अब एक नौजवान और हमें मिल गया है कि जो पैडल हम लोगों के साथ मारेगा, भैया साहब साथ में चलेंगे। ये मिले हमें, और अगर थोड़ा सा प्यार पिछली बार ही ज्यादा मिल जाता, अगर थोड़ा सा प्यार पिछली बार ही ज्यादा मिल जाता तो बताओ ये विधायक होते कि नहीं होते, बताओ। भैया साहब तुम संघर्ष करो,
एक नौजवान जो आपके बीच में काम करना चाहता है, आपका रह करके आपका बन करके रहना चाहता है, नौजवानों का भाई और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहता है, बताओ आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसे आप आशीर्वाद दीजिए। और आज का दिन हम समाजवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह ही हम जन्मदिन मना के नेताजी का निकले, और मैंने कहा कि हम जा रहे मध्य प्रदेश, लेकिन आशीर्वाद नेताजी का लेकर के निकले हैं। और आज जब जन्मदिन के दिन अगर हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, शायद समाजवादियों के लिए एक विधायक से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है। आप उपहार दीजिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी रास्ते पे आपकी मदद करने का काम करेंगे। और परिवर्तन कोई नहीं ला सकता। अगर लखनऊ से परिवर्तन आता, दिल्ली से परिवर्तन होता, तो शायद हम वही फैसला कर लेते, लेकिन बदलाव और परिवर्तन आपसे आ सकता है। आप तय करोगे लोकतंत्र में। और याद कीजिए, जो लोग वोट से आए हैं, जिनकी वोट से सरकार बनी है, वोट से ही हटेंगे। और अगर वोट का अधिकार किसी को है तो आपको है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार एक एक वोट डाल करके आप भैया साहब को जिता करके भेजेंगे। और हम नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग कहना चाहते हैं, हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, ये देश के सामने जो खतरा है, जो लोकतांत्रिक खतरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस जिम्मेदारी से नहीं लड़ रही है। अगर वो 56 इंच सीने वाले हैं तो उनका दिल छोटा है। हमें लगा कांग्रेस का दिल बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का भी दिल भारतीय जनता पार्टी के बराबर निकला, वो भी उनका दिल बड़ा नहीं है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि देश का भविष्य कैसे हो, कैसा बने। और उत्तर प्रदेश में कम से कम वो लोग आते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और इस बार हम समाजवादी लोग साइकिल वाले मिलकर के वहीं से रास्ता रोकने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव के बाद अगला चुनाव भी है, कोई रोकेगा तो साइकिल और लोग मिलकर के रोकेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, एक लोकप्रिय नौजवान आपको मिला है, इसकी मदद करिए, इसे जिताइए। और समाजवादियों से हमसे आपका रिश्ता पक्का होगा, और पक्का रिश्ता जब होगा तब हम लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये तो अगर आप कहो तो हम इन्हें मान ले, विधायक बताओ आप, अब दिन नहीं बचे, हमारी सभा खत्म होगी तो साजिश करने वाले किसी न किसी की सभा कराएंगे यहाँ पर। सुनने में आया किसी की सभा है, लेकिन हम आपको बता दें, वो नेता तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नेता बहुत छोटा कर दिया है। साजिश करेंगे, जाने क्या क्या कहेंगे आपके लिए। इसलिए सावधान रहना उनके प्रचार से, झूठे प्रचार से भी। आप अपने पे भरोसा करना, आप किसान, माताएं बहनें, नौजवान, और हम सब लोगों से कहेंगे, मतदाताओं से, कि ये जब आप आकलन करोगे तो आप पाओगे कि तीसरा विकल्प आपके रास्ते पे हो, और तीसरे विकल्प में अगर आप भैया साहब को जिता करके भेजोगे तो हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर करके, इस क्षेत्र के लोगों की मदद करने का काम, और जो कुछ सहयोग हो सकता है हम लोग करने का भी आपका करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि यहाँ की जनता एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कपिलदेव सिंह जी को, भैया साहब को जिता करके भेजेंगे। इसलिए उनकी भी मदद करना। साथ ही साथ हमारे एक और प्रत्याशी हैं, सुखचैन प्रसाद पटेल जी, उनकी भी मदद करना। इन्हीं शब्दों के साथ हमें भरोसा है कि आने वाले समय में जब 28 तारीख को वोट पड़ेगा तो यहाँ से नौजवान प्रत्याशी भैया साहब जीत करके ऐतिहासिक वोटों से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, जिस जोश और उत्साह के साथ दिखाई दे जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
अखिल चलाई मजा आ गया मेरे अखिलेश नहीं जाएंगे भैया, एक साइड बताना।